ओम शक्ति, जय माँ काली। आज हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी की। बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से आपको बतलाएंगे कि कैसे भूत प्रेत या तंत्र मंत्र आपके साथ चलती है या आपके पीछे लग जाती है। देखिए, दुनिया में अगर कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, आशीर्वाद है, तो अभिशाप भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। यही नेगेटिव एनर्जी जो है, जब आपके पीछे चलती है तो आपका कार्य कुछ ना कुछ विघ्न में पड़ जाता है। लाख प्रयास के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। आप अच्छे कर्मा में हैं, पॉजिटिव कर्मा करते हैं, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव फल प्राप्त करते हैं, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो फिर एक यही समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो फिर चल रहा है दुनिया में, कुछ ना कुछ तो है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं तो उसका निवारण भी आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपको जड़ तक जाना होगा भाइयों बहनों। अगर आप जड़ तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। पीछे भी मैंने बताया था कि तत्काल आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर किसी चीज़ को निकालना है तो जड़ से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप तना काटते हैं, टहनी काटते हैं, पूरा धड़ काट देते हैं, तो फिर से नीचे से पनप पाएगा। तो आपको जड़ से कोई भी उपाय करना है। दुनिया में विभिन्न शक्तियां हैं। अगर अच्छी शक्तियां हैं तो बुरी शक्तियां भी हैं। आप कहेंगे कि अंधविश्वास है, तो जो लोग इस संबंध में नहीं जानते हैं वो अंधविश्वासी कहेंगे, लेकिन हम जानते हैं तो हम इसे अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं। और जो लोग भुगत रहे हैं वो लोग भी इसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे। अब देखिए, अगर कोई डॉक्टर है तो वकील का काम तो नहीं कर सकता, वो कोर्ट में जाकर वकील की तरह जिरह नहीं कर सकता। अगर कोई इंजीनियर है तो वह डॉक्टर का काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से है कि जिस चीज़ में आप सिद्धस्थ हैं, जिस चीज़ का आपको ज्ञान है, आप वही कार्य कर सकते हैं। तो जिस कार्य को आप नहीं कर सकते उसे गलत कहना या उस वो चीज़ है ही नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। कल को कहा जाता था कि सूर्य में 7 रश्मियाँ नहीं हैं। बाद में जब पता चला तो बातें गलत हो गई, ये सिद्ध हो गया। पहले कहा जाता था पृथ्वी चपटी है, लेकिन अब नहीं है। तो जब जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं वो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो अब जिस चीज़ को नहीं जानते उसे बिल्कुल नकार ना दें, उसके तह तक जाएं, आप उसके जड़ तक जाएं और समझने का प्रयास करें। तो आज यहाँ हम आपको बतलाएंगे कि अगर नेगेटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है तो आपको क्या क्या हो सकता है। आप कैसे जान सकते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, जिसे आप भूत प्रेत कह सकते हैं और जिसे एक मनोचिकित्सक कुछ मनोवैज्ञानिक कारण बतला सकते हैं। लेकिन हमने कहा है, दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, चाहे आप बीमार पड़ते हैं या स्वस्थ हो जाते हैं, आप घर बना लेते हैं, आपका बना हुआ घर किसी कारणवश टूट जाता है, आप हवाई यात्रा कर रहे हैं और लेकिन आप हवाई यात्रा ट्रेन यात्रा में खतरा हो जाता है, आप घर में सोए हुए हैं और आपका घर ऊपर से गिर जाता है और आपको खतरा हो जाता है, अब बताइए इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो कुछ भी नहीं किया लेकिन आप भुगत रहे हैं ना, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। बिना कार्य का कारण नहीं, और अगर कारण है तो उसका कार्य जरूर होगा। मैं वेदांती हूँ और हमने न्याय दर्शन पढ़ा है, हम लिंग्विस्टिक हमने पढ़ा है। तो बिना कार्य सांख्यकारिका में आप जाइए, आप पूरी प्रकृति और देवी को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये सृष्टि क्या है, कैसे बनी, किस कौन कौन से तत्व को लेकर आप बने हुए, सारा कुछ आप समझ जाएंगे। तो हम बतला रहे थे कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे रातों में घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, लगता है कि पदचाप आ रहा है, पीछे से पद की ध्वनि सुनाई पड़ रही है,
कुछ कहते हैं कि स्मेल आ रहा है, कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ समस्याएं लेकर लोग आते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण निश्चित रूप से जानिए कि यह जादू टोना कह लीजिए, तंत्र कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, तांत्रिक क्रिया कह लीजिए, लेकिन है तो ज़रूर। और इसी को हम शुद्ध भाषा में नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो इसे आप कैसे पहचानेंगे, आप कैसे जानेंगे कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी चल रही है, कोई आप पर जादू टोना कर रहा है, ये कैसे आप पहचानेंगे? आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं आप उससे पहचान सकते हैं। इन्हें पहचानने के जो सूत्र हैं वह मैं आपको बतला रही हूँ। पहला सूत्र है स्वर, आवाज। दूसरा सूत्र है गंध। तीसरा है स्वप्न, ड्रीम। इसके अलावा वस्त्र है, फिर अनाज है, आपका जो पका हुआ खाना है या कच्चा अनाज है वह भी इसमें काम आता है। और अगर कुछ अद्भुत, कुछ अनोखी वस्तुएं हैं वह भी अनाज के रूप में है या किसी रूप में है वह भी है। तो इसकी हम एक एक करके व्याख्या करेंगे आपसे। पहला है स्वर। अगर आपको कोई स्वर सुनाई देता है, कोई आवाज़ सुनाई देती है, लगता है, लग रहा है कि घर में कोई आवाज़ दिया, कोई बुलाया, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है, तब आप समझिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी तो आपके आसपास है। चाहे किसी ने तंत्र करा के भेजा हो या अपने आप आ गया हो। देखिए, दुनिया में हम हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ तो करते ही हैं, हर कोई करता है, और इन्हीं गलतियों के कारण, इन्हीं गलतियों के परिणाम स्वरूप आपको ये सब झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत तरक्की कर रहे हैं और इस तरक्की को आप उनके पास शो कर रहे हैं जो बहुत, जो तांत्रिक हैं, योग ध्यान कर दूसरे ढंग से करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर उनके पास आप शो अप करेंगे, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनकी कड़ी दृष्टि तो ज़रूर लग जाएगी। किसी ने घर को स्वच्छ साफ सुथरा करके रखा है, आप जूते पहन के चले जाते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा, यह आपको असर करेगा। आप अपने बुजुर्ग माता पिता का अपमान करते हैं, वो बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन उनके अंदर से जो आह निकलेगी वो आपको लगेगा। या कोई जानबूझकर आपसे लाभ प्राप्त करने के लिए, आपकी हानि पहुँचाने के लिए कुछ कर सकता है। बहुत तरह के लोग होते हैं दुनिया में, देव भी होते हैं, मानव भी होते हैं और दानव भी होते हैं। तो जो लोग दानव प्रवृत्ति के होते हैं वह तंत्र क्रिया करते हैं किसी को हानि पहुंचाने के लिए, और जितनी हानि वो पहुंचा पाते हैं उतने वो खुश होते हैं, उतने वो प्रसन्न होते हैं। तो आप हर कोई को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। खुद को बदल कर इससे बचा जा सकता है। तो हमने कहा स्वर, अगर आपको आवाज़ सुनाई पड़ता है, कोई पुकार रहा है, कोई बुला रहा है, अथवा अनसुलझा सा आवाज़ कुछ सुनाई पड़ता है आपके घर में, या कोई है नहीं, अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन आप दरवाज़ा खोल के देखते हो तो कोई है नहीं, किसी के चलने की आवाज़ आती है लेकिन कोई होता नहीं है, किसी घुंघरू की, पायल की या कुछ भी ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है लेकिन वह होता नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो वहाँ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पर हम आपको सचेत करना चाहेंगे कि यह जो नेगेटिव एनर्जी है या भूत प्रेत है या जो कुछ भी है, आप जो भी माने, अगर वो जो आवाज़ लगाते हैं, अगर आपको पुकारते हैं, तो आप ही के किसी जान पहचान या किसी संबंधी की आवाज़ में आपको पुकारते हैं। जैसे कि आपको आवाज़ लगाएंगे मम्मी, दीदी, या कोई नाम लेकर, अमुक नाम लेकर, रीना, मीना, जो भी हो, मोहन, सोहन, जो भी है नाम लेकर, लेकिन आपको लगेगा कि यह मेरा बेटा बोल रहा, बेटे की आवाज़ है, बेटी की आवाज़, बहन की आवाज़ या पड़ोसी की आवाज़ है, पति की आवाज़ या पत्नी की आवाज़, तो इन्हीं आवाज़ों में वो पुकारेंगे। लेकिन जब ऐसी पुकार जब आपको सुनाई पड़े तो एक बार में कभी भी उसे जवाब ना दें। जब वो दोबारा पुकारे तभी आप उसे
आवाज़ लगाएं कि क्या है, कौन हो, क्योंकि जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, वो एक ही बार आपको पुकारते हैं। अगर आप आवाज़ उसे प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो अपने आप वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रत्युत्तर दे देते हैं तब आप कुछ चक्कर में पड़ जाएंगे। तो इसके बचने का यही उपाय है कि एक बार में आवाज़ लगाए तो आवाज़ न दे। और अगर कोई जैसे घुंघरू की आवाज़, पायल की आवाज़, छन छन की आवाज़, नाचने की आवाज़ सुनाई पड़े तो आप उस पर गौर ना करें, उसे टोक न लगाएं। और कभी कभी देखेंगे कि कोई चिड़िया नहीं है लेकिन चिड़िया की आवाज़ आ रही है, तो ये कौन सी चिड़िया है, हट करके आप उसे भी आवाज़ न लगाएं। तुरंत उसे भगाने का भी प्रयास ना करें, वो अपने आप चला जाएगा। और लेकिन अगर वास्तविक चिड़िया होगी तो बहुत देर तक मुंडेर पे, आपके घर पे, बरामदे में रह जाएगी। लेकिन अगर कोई भूत, प्रेत, पिशाच या किसी की भेजी हुई शक्ति या निगेटिव शक्ति कह लीजिए होगी, तो वो फिर से तुरंत चली जाएगी। और दूसरी बात होती है गंध। अगर आप घर में प्रवेश करते हैं तब, या फिर आप घर में बैठे ही हुए हैं, अचानक से आपको कुछ बैड स्मेल आता है, तब निश्चित रूप से आपके घर में कुछ बैड एनर्जी है, आपको इसका निवारण कराना चाहिए। बैड आपको गंदा स्मेल आएगा और फिर थोड़ी देर में चला जाएगा, ऐसा कई कई बार आप अनुभव करेंगे। जबकि आप घर में कुछ सेंट भी छिड़क देंगे, रिफ्रेशर लगा देंगे, अगरबत्तियाँ जला देंगे, उस बीच एक गजब सा गंदा सा स्मेल आपको आए, तब समझिए कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है, आपको इसका निवारण करना चाहिए। और यह निवारण कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कराएं, योग ध्यान साधना करते हैं उनसे कराएं, किसी तांत्रिक के पास जाकर इसे का इलाज ना कराएं। इसके अलावा और भी उपाय मैं अंत में बतलाऊंगी कि और क्या उपाय करना चाहिए कि आपको कहीं जाना भी ना पड़े और यह अपने आप हो जाए। अब तीसरा चीज हो जाता है स्वप्न। अगर आप स्वप्न में कामुकता का दृश्य देखते हैं, अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि कोई आपका गला दबा रहा है, और जब उठते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं, हालांकि डॉक्टर इसे स्लीप एपनिया कहते हैं कि नींद की बीमारी, लेकिन हमारे ग्रहों में यह नहीं है, कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी आप पर दबाव डालती है जिसके कारण आपके साथ ऐसा होता है। अगर आप स्वप्न में देखते हैं कि कोई बार बार एक छोटा बच्चा देखते हैं और आप गर्भवती हैं, तो समझिए कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो आपको किसी के पास जाकर इसका उपाय करा लेना चाहिए, नहीं तो आपके शिशु को परेशानी हो सकती है, खतरा भी हो सकता है। अगला चीज है वस्त्र। अगर आपका वस्त्र अचानक से कहीं से जल जाता है, अचानक से कट जाता है, या उसे आप देखते हैं कि कट कर गायब हो गया है, अक्सर ऐसा शादी विवाह में देखा गया है कि जोड़े को विवाह वाले कपड़े को कटा हुआ मिलता है, तो ये समझिए कि कुछ किया गया है, तो इसका उपाय भी आप ज़रूर करा लें। अगर घर में आपका खाना लगातार कम हो जा रहा है, तो भी समझिए कि आपके घर में कुछ ना कुछ तो अनिष्ट है, इसका भी निवारण करा लेना चाहिए आपका। कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के उपाय तो कोई साधक कर देगा, लेकिन आम तौर पर लोग कहेंगे कि यह करा लो, वो करा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन कुछ आप भी कर सकते हैं, तो आपको स्वयं भी कुछ करना होगा। आप सिर्फ पैसे दे दिए, किसी से जाप करवा लिए, उपचार करवा लिए, सही नहीं होता है, खुद आपको भी करना चाहिए। मेरे पास भी लोग आते हैं, मैं उसे मंत्र देती हूँ, कहती हूँ कि आप स्वयं करो, जब तक खाना खुद नहीं खाओगे आपका पेट नहीं भरेगा। तो कुछ उपाय आपको भी करनी चाहिए। पहला कि आपको शुभ कर्मा करनी चाहिए, पॉजिटिव कर्म करने चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करें, घर में किसी भी व्यक्ति को, घर में का किसी भी व्यक्ति के दिल को ना दुखाएं, गलत करने का कभी ना सोचे, गलत ख्याल मन में ना लाएं। जब आप पॉजिटिव कर्मा करेंगे तब आपको ये शक्तियाँ ज़्यादा दिन परेशान नहीं कर सकती हैं, अपने आप चली जाएंगी। इसके अलावा एक और निवारण है
जो आपको हम बतला देते हैं बहुत ही आसान है। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है कि आपके साथ कुछ जादू टोना हुआ है, कोई कर दिया है, कुछ कर दिया है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी है, इसे दूर करना तो ज़रूरी है, तो आप क्या कीजिए कि ये उपाय आप 21 दिनों तक करिए, बिना किसी खास व्यय के हो जाएंगे। आप प्रतिदिन पर डे पान का एक पत्ता ले आइए, उस पान के पत्ते पर ऊपर की ओर जो सीधा जगह रहता है उस पर सरसों का तेल लगा दीजिए और उस पर 5 गोल मिर्च, खड़ी गोल मिर्च रख दीजिए और उसे लपेट कर प्रत्येक व्यक्ति जो घर में जितने सदस्य हैं उनके तकिया के नीचे रख दीजिए और सुबह उठकर सारे जिनके जिनके तकिए के नीचे रखा है उसे लेकर ले जाकर कहीं भी भूमिगत उसका विसर्जन कर दें, यानी कि गड्ढा खोद कर उसे डाल दें। कोई ज़मीन नहीं है तो एक गमला रखें, गमले में मिट्टी भर दें, उसे कोड कर उसमें डाल दें। ऐसा आप 21 दिनों तक करें, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास से दूर चली जाएगी। और घर में कपूर जलाएं, पूजा पाठ करें, आपके गुरु ने, आपके बुजुर्गों ने, आपके कुल गुरु ने जो भी मंत्र जाप वगैरह दिया है उसे प्रतिदिन अच्छे तरह से करते रहें। इसके अलावा कुछ उपाय हैं कि अगर आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, आपने यह उपाय नहीं किया है तो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा पीले कपड़े में पीला सरसों बांधकर अपनी जेब में, अपने दाहिने जेब में रख लें। महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं, लड़कियां आजकल जेब वाला कपड़ा पहनती हैं तो उसमें भी रख सकती हैं, लड़के भी अपने जेब में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लड़का हो या लड़की दाहिने जेब में ही रखें। और जब आप यात्रा पे गए हैं, वहाँ कार्य करके जब वापस घर आ गए हैं तो फिर उस पोटली को भूमिगत विसर्जन जरूर कर दें। आप देखेंगे कि अगर आप भूमिगत विसर्जन किसी गमले में करते हैं और उससे अगर निकल आया है उसे पौधा, तो समझिए कि बहुत अच्छा हो गया है। और अगर आप वह सड़ गया है, मिट्टी सड़ गई है, तो आप समझिए कि अभी आपको यह क्रिया करनी और भी बाकी है। एक उपाय और भी है, आप प्रतिदिन थोड़ा सा सरसों और उसमें थोड़ा जल मिलाकर, थोड़ा गंगा जल से उसे धोकर इस तरह से अपने सिर से घुमाकर किसी गमले में भूमिगत कर दें, गमले की मिट्टी में दबा दें और उसके बाद उसमें पानी जल जरूर डाल दें, कोई भी जल, शुद्ध जल एक लोटा उसमें डाल दें। ऐसा आप 11 दिनों तक करें। इन 11 दिनों में अगर अंकुर निकल आए हैं तो बहुत शुभ, और अगर उसमें कुछ निकला है लेकिन फिर से सड़ गया है तो भी समझिए कि नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे निकल रहा है और ये निकल जाएगा। तो भाइयों बहनों, इस तरह से आपके पास, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसे आप जादू टोना कहते हो, भूत पिशाच कहते हो, वो दूर हो जाएगी। और जादू टोने तो होते ही है भैया, अगर आप किसी को प्रणाम करते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो श्राप भी होता ही है, कई तरह की एनर्जी होती है, और एनर्जी होती है तो साइंस भी प्रूफ कर चुका है। तो एनर्जी कैसी भी हो, एनर्जी तो एनर्जी है, लेकिन अगर कुछ लोग उसे गलत सोच से उसका प्रयोग कर लेते, बहुत लोग दानवी प्रवृत्ति के होते हैं, इसे नियंत्रित करके अपने तंत्र को, शारीरिक तंत्र को नियंत्रण में करके कुछ गलत कार्य भी इन शक्तियों से करवाते हैं। तो इस उपाय को आप करें, इससे आप बच सकते हैं। और भाइयों बहनों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी और काम की लग रही है तो उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि दूसरे भी इससे लाभान्वित हो सके। और जो पहली बार हो, सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएंगे, ताकि मैं जो बतला रही हूँ आपके पास भी पहुँच सके।